बीच में एक आध बार खांसी भी आ सकती है, उम्मीद है आप जो है वो झेल लेंगे। और अभी तुलसी का काढ़ा और OS5 लेके आपके साथ में बैठा हूँ, और उम्मीद है थोड़ी देर में बुखार उखार सब भाग जाएगा। सो ये सब आपकी ताकत है, आप सब साथियों की। और तो दोनों बच्चे बैठ के कुछ खा रहे थे, छोटे वाले बच्चे के कुछ दांत वांत जो है वो ताजे ताजे निकल रहे थे, दो चार दांत, कुछ आपस में साथ में बैठ के खा रहे थे। तो छोटे वाले बच्चे ने बड़े वाले बच्चे का हाथ पकड़ लिया, मतलब मुंह से दांत से हाथ पकड़ के उसको लटक गया, काट दिया। दूर से बैठी हमारी श्रीमती जी ने उनको देखा और लास्ट सीन देखा, मूवी का लास्ट सीन देखा, जब बड़े वाला बच्चा छुड़वाने के लिए उसको पुश कर रहा था, उसको धक्का दे रहा था, तो छोटे वाला बेटा लुढ़क गया। अब वो जब लुढ़का तो माँ ने जो लास्ट सीन देखा तो आके जो है दो चपाटी चपत जो है वो बड़े वाले बेटे को लगा दी कि तेरे को, तू बड़ा है, तेरे को छोटे बच्चे का, छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ऐसा बात आई गई होगी। रात को यही बच्चा मेरे पास आया 8-9 बजे के आसपास, और आके बड़ी मासूमियत से मेरे को बोलता है कि पापा एक बात पूछनी थी। मैंने बोला बोलो बेटा। उसने बोला कि जो है मेरे को, तू 4 साल का, जब मैं 4 साल का हो गया तो आपने बड़ा कर दिया। बोला ये जो छोटे वाला मेरा भाई है, ये भी 4 साल का हो जाएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा ना, ऐसा आदमी कि जिंदगी भर इसके चक्कर में मेरी पिटाई होती रहे, राइट? तो सवाल बड़ा मासूमियत बड़ा है, लेकिन ये चीजें अंदर तक झकझोर कर देती है, इसी को जागृति बोलते हैं। तो उस दिन हमने तय किया कि जो है अमूमन हम देखेंगे तो कई बार जो है 80-90% घरों में है ना वो बड़े के छोटे के चक्कर में अमूमन बड़े की ठुकाई होती रहती है, राइट? सो बातचीत हम शुरू करते हैं। आज गुरु पर्व है तो हम सब आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, जिंदगी भर ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये सीख सीख तक यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे बीच में आदरणीय प्रहलाद सर मौजूद हैं, अभी मैं उनको आपके बीच में बुलाऊं। उससे पहले आज आप साक्षात इंडस्ट्रीज को देखोगे, जिन भी दोस्तों को लगता है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम में तो सामान है, ऊपरी तौर पे देखोगे तो सामान है, और ये सामान जैसे बाजार में सामान है वैसे ही, कोई सोना चांदी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है बाजार वाले सामान जब हमारे घर तक आते हैं तो उसमें मिलावट होने की पूरी 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 संभावना और गुंजाइश होती है, और आरसीएम के सामान हमारे घर तक जब तक पहुंचते हैं तो इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सिस्टम डायरेक्ट का है। और जब ये सामान हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो सोने चांदी जैसा काम करते हैं, बीमारियों को घर से भगा देते हैं, परिवार को स्वस्थ कर देते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी जगह मिले जहां से आपके परिवार का स्वास्थ्य बने, जहां से आपके परिवार में कभी बीमारियां नहीं आए, और भूल जाए 1 मिनट के लिए कि वहां से कोई पैसा आए, तो भी हर आदमी अपने परिवार के लिए जिंदगी भर वहां से सामान खरीदना चाहेगा, ये तो भला हो आरसीएम का जो साथ में कुछ पैसे भी आते, राइट? तो ये मोटी सी बात अगर बात पकड़ में आती है तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसी के अंदर जो है सारी चीजें छुपी हुई है। धीरे 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 अभी प्रहलाद सर को जो मैं आपके बीच में बुलाऊंगा, आप देखेंगे एक साक्षात इंडस्ट्री। कभी किसी जमाने में जब एक पेंट का कपड़ा था तब बिजनेस को स्टार्ट किया, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज करीबन करीबन जो मुकेश कोठारी सर हमारे बीच में आएंगे अभी, तो करीबन 2-2 हजार करोड़ की साक्षात इंडस्ट्री है। उनका जो आईडी है उसके ऊपर करीबन 2,000-2,200-2,500 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। आप सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और अभी तो आरसीएम बिजनेस जो स्टार्ट नहीं हुआ, इवन तो डायरेक्ट सेलिंग ही स्टार्ट नहीं हुआ, 0.001% लोगों को इसके बारे में मालूम है, तो कितनी बड़ी असीम संभावनाएं हैं। और वत्स सर, आदरणीय वत्स सर, आपको जो हर बार जब भी आप उनकी ट्रेनिंग या मीटिंग अटेंड करते हैं, वो आने वाली संभावना और विजन के ऊपर आपसे बात करते हैं कि आने वाला टाइम कैसा है, कितनी ग्रोथ है, किस देश की कितनी ग्रोथ है, वो उनकी स्पेशलिटी है, वो सारे डेटा और सारे आंकड़े है ना केसी सर आपके बीच में रखते हैं। सो मैं बुलाऊं, उससे पहले एक जो है वो छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। एक गांव के अंदर या टाउन के अंदर या शहर के अंदर एक कुम्हार था, और कुम्हार था तो उसके पास 2-4 गधे भी थे। सवेरे उनके ऊपर अपना मिट्टी विट्टी या जो भी कुछ है लाद के अपना इधर से उधर और इधर से उधर अपना जो काम की जगह है वहां पर जाता था। एक दिन चलते 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 तो उसको सामने एक पत्थर नजर आया जो चमक रहा था धूल में। तो उसने देखा यार ऐसा पत्थर कभी देखा नहीं, तो उसने उठा लिया, उठा के देखा यार पत्थर का क्या करूं, बोला ये गधा भी जिंदगी भर मेरे साथ मेहनत कर रहा है, आज तक इस गधे को मैंने कुछ दिया नहीं। तो बोला चलो, बोला गधे तू भी खुश हो जा, तो आज मैं तेरे को एक चमकदार पत्थर दे रहा हूं।
तो उसने वो चमकदार पत्थर जो है वो गधे के गले में बांध दिया और फिर अपनी मस्ती में चलने लग गया। चलने लग गया, थोड़ी बहुत दूर आगे चला, 20-50-100 मीटर आगे चलते चलते एक आदमी सामने आया जो एक जौहरी था। वो देखते ही पहचान गया कि ये ही इसने हीरा लटकाया हुआ, इस बेवकूफ ने। बोला कितना बड़ा बेवकूफ है, इतना बड़ा जो है वो महंगा हीरा इसने गधे के गले में लटकाया हुआ। तो जोहरी को थोड़ी सी चाल सूझी, उसने बोला कि इसको ज्यादा पैसे बोलूंगा तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसने सीधा जाके जो है वो गधे के मालिक को बोला कि भाई ये जो तेरे गधे के गले में पत्थर लटका हुआ है ये बेचता है क्या? तो गधे के मालिक ने देखा पत्थर खरीदने वाला तो कोई आया नहीं, इस पत्थर में जरूर कोई ना कोई खास बात है जो ये खरीदना चाह रहा है। तो गधे के मालिक को भी जो है वो थोड़ी सी अकल आई, ऐसे टाइम में आ जाती है। तो उसने बोला कि कितने पैसे का लेगा? तो उसने बोला 200 रुपए का, 200 रुपए का दे दे। तो गधे का मालिक भी, उसने देखा यार पत्थर खरीदना चाह रहा है तो थोड़ा मोल भाव मैं भी कर लेता हूँ। बोला नहीं, 200 का नहीं, 300 का दूंगा। तो जैसे उसने बोला तो वो जोहरी ने उसने बोला नहीं 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 मेरे को नहीं लेना 300 का। वो आगे चला गया। बोला ठीक है यार, आगे गया तो थोड़ी देर आगे गया तो एक जोहरी और मिल गया। अब जो एक जोहरी और मिला तो उसने बोला कि यार गधे वाले ये पत्थर बेचता है क्या? बोला कितने पैसे का देगा? बोला पीछे 300 दे रहा था मैंने उसको दिया नहीं, तू 500 दे तो मैं तेरे को दे दूं। तो उसने बोला दे दे। तो उसने 500 रुपये में उस पत्थर को ले लिया। फिर आगे चला, जो पहले वाला जोहरी था वो उसके पास आया। जब उसने देखा इसके गले में पत्थर तो है नहीं, उसने बोला चक्कर मार के इसको सामने दोबारा घेरूंगा और फिर इससे थोड़ी देर बाद खरीद लूंगा। जब उसके सामने आया तो उसने देखा यार ये तो इसके गले में तो पत्थर है नहीं। तो उसने बोला यार थोड़ी देर पहले तेरे गले में, तेरे गधे के गले में जो पत्थर लटका हुआ तो कहाँ गया? बोला वो तो मैंने बेच दिया 500 रुपये में। बोला मेरे से ले लेता मैं 600 रुपये दे देता तेरे को। बोला तेरे को मालूम है, तेरे में अकल है थोड़ी बहुत भी? बोला वो हीरा करोड़ों का था, जिस आदमी को तूने दिया वो तेरे करोड़ों ले गया। बोला यार, तो उसने गधे की तरफ इशारा करके बोला, बोला गधे, बोला देखिए साहब हमें गधा बोल रहे हैं, अब आप ही बताओ गधा कौन है? हमें तो मालूम नहीं था कि वो हीरा है, इस आदमी को तो मालूम था ये हीरा है। तो जानने के बावजूद इसने वो हीरा छोड़ दिया। तो कई बार मौके हमारे सामने आते हैं लेकिन जानते बूझते हम उन मौकों को छोड़ते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास विजन है, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर जो काम हम सदियों से कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं और खाना खा रहे हैं, हमें स्वास्थ्य चाहिए। आज आरसीएम में करीबन 700-800 नंबर्स जो है प्रोडक्ट के हो चुके हैं, कैटेगरीज काफी सारी हो चुकी हैं, एक प्रोडक्ट से लेके यहां तक पहुंच चुके हैं, दुनिया भर के डिपोज हो चुके हैं, दुनिया भर के पिकअप सेंटर हो चुके हैं, वो सारे आंकड़े आपके पास है। यात्रा काफी हो चुकी है लेकिन ये यात्रा अभी यूं मानो के स्टार्ट भी नहीं हुई है, अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल आंकड़े देखते हैं तो। मौका बहुत बड़ा है, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दीजिए। उस जो है वो सुनार की तरह जिसको मालूम था उसके बाद भी राइट वो आलस में उसने मौके को छोड़ दिया। और ठीक आज आप शुरू करते हैं, आज आपने ज्वाइन किया है, आप ठीक जो है प्रहलाद सर ने, मुकेश सर ने जिस बिजनेस को ज्वाइन किया, जब एक प्रोडक्ट था आज आपके साथ 800 प्रोडक्ट हैं, आज के 10 साल बाद देखेंगे तो आपका जो आपकी आईडी का जो टर्नओवर है वो भी आपको जो 2000-4000-5000 करोड़ मिलेगा। और ऐसी इंडस्ट्री आप जिस भी शहर में बैठे हैं, आप कलकत्ता बैठे हैं, पंजाब बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, और जितने भी मेरे कोर साथी यहाँ पर मौजूद है, जितने भी एमराल्ड्स हैं, स्टार एमराल्ड हैं, रॉयल्टी है या टेक्निकल हैं, जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखोगे कि कितने सारे आज आरसीएम बिजनेस में ऐसे दोस्त हैं जिनका ईयरली जो टर्नओवर है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 500 मतलब 1500 करोड़, 2000 राइट, इतने करोड़ों तक पहुंच चुका है। और ये आने वाले टाइम में कहाँ तक जाएगा, वही सारी जानकारी लेने के लिए। और क्यों आरसीएम के समान हमारे घरों के अंदर जो है वो, आपने बिल्ली देखी होगी ना, परमात्मा ने चूहे भी बनाए और बिल्ली भी बनाई है। घर में चूहे होते हैं तो हम पिंजरा लेके आते हैं, कुछ दवाइयां लेके आते हैं चूहे को मारने के लिए, ऊपर वाले ने बिल्ली भी बनाई है। तो भाई बिल्ली घर में आके बार बार पूछती है मैं आऊं, मतलब वो बोल रही है कि मैं आऊं, हम उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे। जब वो मैं आऊं बोल रही है, अगर हम उसको बोल दे मैं आऊं आऊं तू आ जा, तो क्या करेगी? अपना कोट पैंट तो लेके जाने वाली नहीं, अपनी ज्वेलरी भी लेके जाने वाली नहीं, हमारे पैसे भी लेके जाने वाले नहीं। उसकी पहली चाहत चूहा है। तो घर के अंदर अगर बिल्ली को एंट्री दे दी तो घर से सारे चूहे गायब हो जाएंगे। आप भी आरसीएम को अपने घर में, उनके सामानों को अपने घर में जिंदगी भर के लिए एंट्री दे दो, घर से सारी बीमारियां खा जाएगी
और एक इतना बड़ा साम्राज्य आने वाले टाइम में ऐसा खड़ा हो जाएगा जो आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेगा और आपके नाम को इस धरती से कभी गायब नहीं होने देगा। तो चलिए आज मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत कम बोलते हैं टीसी सर की तरह, लेकिन जितना भी बोलते हैं और जितनी भी लाइनें बोलते हैं वो बिल्कुल ए टू जेड नोट करने वाली होती हैं। हम लोग तो कई बार जो बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन जो शख्सियत हमारे बीच में आने वाली है, यूएस के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत सारा जो शेड्यूल है सारी चीजें भी जो बदलाव आप देख रहे हैं ये उनकी कोशिश है, पूरी जो मैनेजमेंट है जो टीम है उनकी गाइडेंस में ये सारा काम जो है हो रहा है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच जहां पर भी आप बैठे हैं हम बुलाने जा रहे हैं आपके बीच में आदरणीय प्रहलाद राय मेघवंशी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू कदम जी। सभी को देखिए कि संयोग से अपन ने आज 13 तारीख रखी है, 13 तारीख का गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु गुरु का मतलब है कि अंधकार से उजाले की ओर, गुरु अंधकार से उजाले की ओर, और जाने अनजाने में हम सभी से सीखते हैं। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। देखिए कि आरसीएम बिजनेस जब हम करते हैं तो आरसीएम बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमारे को जीवन में तीन चीजों को गहराई से उतार लेना चाहिए। तीन चीजें क्या है गहराई से उतारने के लिए, कि जिस भी व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं उसको सपोर्ट देना, उसको सपोर्ट देना, दूसरा है उसको सर्विस देना, और तीसरा है कि हमारा भाव देने का हो। यानी कि कहते हैं ना कि नियत, सभी धार्मिक ग्रंथों में एक बात लिखी रहती है कि नियत में ही बरकत है, जैसी नियत वैसी बरकत। और आरसीएम बिजनेस में जब हम ज्वाइन करते हैं, आरसीएम बिजनेस को करते हैं, तो आरसीएम बिजनेस का कोई धर्म नहीं होता, इसका सिर्फ एक ही धर्म होता है, मानवता का धर्म, सिर्फ मानवता का धर्म। जब हम आरसीएम बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो शुरू शुरू में लोगों को लगता है कि यार ये बिजनेस नहीं है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। और आरसीएम बिजनेस में जब हम ज्वाइन करते हैं तो पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं, सही है ना, पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं। कितने साथी ऐसे जो कि पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं, एक बार हैंड राइज करें। देखिए कि 100% बात सही है कि पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं और ये पहला उद्देश्य होना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं बात करूं जिन्होंने हैंड राइज नहीं किया, तो आरसीएम बिजनेस मात्र एक पैसा कमाने का नहीं, एक ये जीवन जीने का एक सटीक तरीका है, सही जिंदगी जीने का तरीका है। पैसा कमाने के हमारे पास बहुत तरह के साधन हो सकते हैं कि हम फैक्ट्री लगा लें, व्यापार कर लें, छोटी मोटी दुकानें खोल लें, आधुनिक तरीके से खेती कर लें, ट्रेडिंग शुरू कर लें, लोगों को कई लोग जो है कि गुमराह करके पैसा कमाते हैं। पर लाइफ जो जीने का जो स्टाइल देता है ना, लाइफ जीने का जो, वो देता सिर्फ आरसीएम बिजनेस। जो मैं आपसे आपके सामने जो अभी 21 सालों का जो अनुभव मेरा शेयर कर रहा हूँ, तो जीवन जीने की जो कला है वो सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही देता है। पैसा सेकेंडरी हो जाता है, जब एक व्यक्ति कोर में आ जाता है, एक रूबी और स्टार रूबी बन जाता है, तो पैसा उसका सेकेंडरी आ जाता है, लेकिन रियल में जो पैसा जीवन जीने का जो आनंद देता है वो आरसीएम बिजनेस देता है। कोई भी दुनिया में देखिए कि कोई भी नेता जो दूसरे नेता को गाइड नहीं करता ताकि पार्टी में उसका ऊंचा पद मिले, कोई दूसरा कोई भी आईएएस अफसर दूसरे आईएएस अफसर को ये नहीं कहता कि उसको ये गाइड नहीं करता कि तेरा कैसे प्रमोशन हो जाए, कोई शोरूम वाला ये शोरूम नहीं कहता कि उसके बगल में अगर कोई शोरूम खुला तो वो कैसे बड़ा कर ले, यहाँ तक कि कोई मंदिर का पूजा प्रधान पुजारी है वो भी अपने जूनियर पुजारी को ये नहीं कहता, कोई विधि नहीं सिखाता पूजा की कि उसको प्रधान पुजारी बने रहना। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपका हर एक कमिटेड अपलाइन दिल से चाहता है कि वो आपसे आगे बढ़े। आरसीएम बिजनेस में हर कमिटेड एक्टिव अपलाइन आप ये चाहता है कि वो कैसे आप उनसे आगे बढ़ो। वो जो अपलाइन है वो आपका मेंटोर हो सकता है कि स्पॉन्सर वो व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको बिजनेस में लेके आया, लेकिन अपलाइन जो आपको हरदम आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचता है, आपको हरदम ऊपर उठाने की कोशिश करता है, आपको हरदम आपके बिजनेस में आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करता है। और आरसीएम बिजनेस इतना पावरफुल है कि इसमें हर सच्चा लीडर, हर सच्चा अपलाइन मदद करने के लिए तैयार है। आज के हम इस प्रोग्राम से हम एक ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि यूएस का जो है कि एक ही मोटो है कि आरसीएम बिजनेस में जो भी ज्वाइन हुआ व्यक्ति, चाहे फिर उसका अपलाइन राजस्थान में रहे और
वो व्यक्ति आसाम में है, आंध्रा में है, कहीं पर भी है, लेकिन उसको प्रॉपर अगर वो बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयां में छूना चाहता है तो यूएस जो है उसको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। और यूएस का सपोर्ट क्या है कि जो आपका मंगलवार से लेके शनिवार तक के जो कि रोज 8:30 बजे जो प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों में उसको पूरा पैकेज, कंप्लीट पैकेज मिल जाता है यूएस के उसके ऊपर। तो हम आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल बाद एक ऐसी बाउंडिंग बनाना चाहते हैं यूएस और आरआरसी के जो भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो कि इसमें कामयाब होना चाहते हैं कि भविष्य में जब डायरेक्ट सेलिंग का लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा भविष्य है तो आरसीएम बिजनेस हमेशा नंबर वन होना चाहिए। इस तरह से हम अगर बाउंडिंग से हम काम करते हैं तो आरसीएम बिजनेस को हम नंबर वन ले जा सकते हैं। क्योंकि जब आरसीएम को अगर जैसे कि इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब मान्यता मिलेगी, रेपोटेड मिलेगी, उस रेपो के अंदर आरसीएम नंबर वन होना चाहिए। जब आरसीएम को नंबर वन ले जाना है तो हमें करना क्या है कि आप देखें कि पहले जो जो कि ब्राजील का एक महान फुटबॉल प्लेयर था, उसका कोच जब भी वो ग्राउंड में जाता तो उसको बोलता है कि पहले ये फुटबॉल है, पहले ये फुटबॉल है। क्या पहले ने कभी फुटबॉल नहीं देखी या कोई फुटबॉल क्यों नहीं खेला, कोई गेम नहीं खेला? लेकिन उसका कहने का मतलब है कि बैक टू बेसिक, यानी कि आप जो भी काम करो बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक यानी कि हमारे पास जो बेसिक जो है कि बैक टू बेसिक, हमें जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें हमारी जड़ों को, हमारी बेसिक को हम उसको भूलना नहीं है। कहते ना कि जब किसी से प्यार हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं। तो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्टों से, आरसीएम से अगर हम प्यार कर लें, आप तय कीजिए कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन तो किया लेकिन वास्तव में क्या आपका सपना है और आप क्या आरसीएम बिजनेस से आप प्यार करते हैं। भविष्य में जब बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी होगी, पूरा जो है कि आरसीएम का जो परचम है पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलेगा, तो इसकी नींव जो भी आज लोग जो है आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं जो अभी के टाइम में, वो सब इसकी नींव होगी, वो सारे नींव होगी कि इतना बड़ा इंडस्ट्री, जैसे कहने कदम सर बोल रहे थे कि जब शुरुआत की तो एक प्रोडक्ट से थी, आज आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है, और जब एक प्रोडक्ट से ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जब यहाँ तक पहुंच सकता है तो आपके पास हजारों प्रोडक्ट है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो हम कितना बड़ा आगे पहुंच सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं। तो जो भी हम बात करते हैं तो हमें क्या है कि हम जब किसी भी काम को करते हैं तो हम उसको महत्व देते हैं। क्यों महत्व? जब उसका महत्व को समझते हैं तभी जाके हम इसमें हम काम करते हैं। मेरा एक बहुत फॉर्मूला है कि जो भी व्यक्ति आता है वो व्यक्ति क्यों आता है, कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक निर्णय से लेके एक आस्था तक का सफर है। आरसीएम बिजनेस में अगर हम बात करें तो एक निर्णय से लेके आस्था तक का सफर है। जब हमने निर्णय किया, निर्णय करने का मतलब जब हमने बिजनेस की शुरुआत करती तो हम खुद का प्लान दिखाना शुरू कर लेते। हमने जब खुद प्लान दिखाना शुरू कर दिया, इसका मतलब हमने इस बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया, और निर्णय ले लिया तो फिर आप जब निर्णय लेते हैं तो आपके पास कोई ना कोई होप होती। कहते ना कि व्यक्ति को जीवन जीवित रहने के लिए क्या चीजें चाहिए, कई सारे लोग बोलते हैं कि हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन हवा, पानी और भोजन से भी जरूरी है उसकी होप, उसकी आशा। अगर एक जीवित व्यक्ति के पास अगर आशा नहीं है, होप नहीं है, तो व्यक्ति मुर्दे के समान है। तो जब कोई भी व्यक्ति इसमें आता है तो एक होप लेके आता है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, इस बिजनेस से मेरे सपने पूरे करूंगा, इस बिजनेस से मैं रॉयल्टी एचीवर बनूंगा, इस बिजनेस से मैं टेक्निकल एचीवर बनूंगा, और इस बिजनेस से एक दिन मैं डायमंड बनूंगा। होप लेके आता है, और जब वो इस बिजनेस में आके टिक जाता है, हम उस व्यक्ति की अगर सही शुरुआत करवा लेते हैं तो होप जो है उसका धीरे धीरे विश्वास में बदलने लग जाता है। होप जो है कि उसका विश्वास में बदलने लग जाता है, और जब विश्वास होने लग जाता है तो वो इस बिजनेस में टिक जाता है। जब इस बिजनेस में टिक जाता है, यानी कि हम उसकी सही शुरुआत करवाते हैं, वो इस बिजनेस में टिक जाता है, और जब इस बिजनेस में टिकता है तो धीरे धीरे उसकी रॉयल्टी आ जाती है, धीरे धीरे वो टेक्निकल आ जाता है। लेकिन जिस दिन उसको आस्था हो जाती है, इस बिजनेस में प्रगाढ़ आस्था हो जाती है, तो आस्था होने के बाद में वो व्यक्ति इस बिजनेस का कोर लीडर बन जाता है, इस बिजनेस का स्टार रूगी बन जाता है। जब आस्था होती क्या होता है, देखिए एक होता है धर्म और एक होता कर्म। प्रोडक्ट यूज करना हमारा धर्म है, लेकिन प्रोडक्ट को शेयर करना हमारा कर्म है। हम कभी बात करते हैं धर्म और कर्म की, हमारे पास तो हमारा धर्म है 100% प्रोडक्ट यूज करना, यानी कि जो आरसीएम के प्रोडक्ट है उसको 100% प्रोडक्ट यूज करना हमारा धर्म है। लेकिन कर्म है हमारा कि उन प्रोडक्टों को, जो प्रोडक्ट हमारा को अच्छा लगे, जिन प्रोडक्ट से हम कन्विंस है, जिस प्रोडक्ट की हमारे को नॉलेज है, उसको हम सेल करें, उसको हम लोगों को शेयर करें। प्लान दिखाना हमारा धर्म है, लेकिन जाके हमारे को डेली 2 प्लान दिखाना हमारा कर्म है।
तो हमारे को धर्म और कर्म का, अगर हमारे पास जैसे हम यूं कहते हैं कि नॉलेज, ज्ञान और नॉलेज, नॉलेज और धर्म और कर्म, तो धर्म केवल आप करते रहेंगे तो आपका आधा चक्का घूम रहा, लेकिन उसके साथ जब आप कर्म करेंगे तभी आपका पूरा चक्का घूमेगा। तो मेरा एक ही है कि धर्म और कर्म आप इस दोनों को निभाए, यानी कि प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज करना ये हमारा धर्म है, लेकिन प्रोडक्ट शेयर करना हमारा कर्म है। अगर हम केवल धर्म की बातें करते रहेंगे तो ये बिजनेस चलेगा नहीं, लेकिन साथ साथ में हमारे को कर्म भी करना पड़ेगा। और यूएस का जो एक ही है कि ये बिजनेस में एक बात बोलता हूँ कि बिजनेस बड़ा इजी है, बिजनेस बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बिजनेस है। करना क्या, प्रोडक्ट यूज करना, हम बात क्या करते हैं, खर्चा करना और चर्चा करना लोगों से। बिजनेस बड़ा सिंपल है और बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है कि बिना पैसे लगाए आप करोड़ों की, हजारों करोड़ों की आप इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, यानी कि बड़ा बिग बिजनेस है। और तीसरा, ये बिजनेस बड़ा साइंटिफिक है। साइंटिफिक कैसे कि आपका 20,000 टोटल बिजनेस होगा, सेकंड ग्रुप में 5,000 का बिजनेस होगा, आपका बिगनर आ गया। टोटल बिजनेस 3.5 लाख का है, सेकंड ग्रुप में 70,000 का बिजनेस है, आपका स्टार हो गया। 4 लाख टोटल बिजनेस 4,65,000 का है और आपका सेकंड ग्रुप में अगर 1,15,000 है तो आपका रॉयल्टी हो गया। यानी साइंटिफिक बिजनेस है पूरा का पूरा, लेकिन बट नॉट इजी। बिजनेस सिंपल है, बहुत बड़ा है और बहुत ही साइंटिफिक है, लेकिन इजी नहीं। इजी क्यों नहीं है कि हम, हमारे पास जो हमारी पूर्व धारणाएं जो रहती है, उन पूर्ण धारणाओं से हम इतने ग्रसित होते हैं कि जो इस बिजनेस को सिंपल है कि हमारे को लोगों से रिलेशन बनाना, प्रोडक्ट, हमारे को प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोडक्ट को यूज करना, हम उन चीजों में हम कहीं ना कहीं माथा लगाते रहते हैं, इसलिए हमारे को ये बिजनेस ईजी नहीं लगता। अगर हमारा विजन बड़ा है तो आप इस बिजनेस को बहुत प्लेजर से करिए, नहीं कि प्रेशर से करिए। जब आप इस बिजनेस को प्लेजर से करेंगे तो हर काम को सीख के, हर काम को पैसेंस के साथ आप करेंगे। और ये बेसिक चीजें हैं कि आप सिर्फ जो है कि अगर आप कमिटेड है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, तो यूएस जो है कि आपको कामयाब बनाने के लिए पूरा का पूरा कमिटेड है। थैंक यू, ओवर टू कदम जी। थैंक यू प्लास सर, थैंक यू वेरी मच। और जो जो चीजें जो है वो आपने बताई हैं, मैं एक बार जो है सभी साथियों से, प्लास सर ने बताया कि सपोर्ट और सर्विसेज के बिजनेस में हैं हम, टीमवर्क के बिजनेस में है, यानी कि मदद के बिजनेस में है, लोगों की मदद के बिजनेस में है। और परमात्मा का नियम है, कर भला तो हो भला, जो अपनी टीम की जाके आगे बढ़ के मदद करेगा, भगवान भी उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। और दुनिया में जो है वो सेल्स वाले को नॉर्मली लोग बाग जो नमस्ते नहीं करते, लेकिन जो सर्विस देता है, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आपकी मम्मी हो, मरते दम तक पैर छूते हैं दोस्त। इसलिए जब आप अपनी टीम की मदद करते हैं एज ए अपलाइन, तो क्योंकि ये बिजनेस भी ऐसा है एक दूसरे की मदद करने का। यूएस के फंक्शंस के बारे में बताया आदरणीय प्रहलाद सर, यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या गोल है पूरे देश में, किस किस तरीके से जो है वो इन फंक्शंस का और इन जूम मीटिंग का क्या रोल है। और एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई कि होप, होप है ना, लीडर इज वन हु कैन गिव होप, लीडर इज ए डीलर ऑफ होप। जो होप देना जानता है, उम्मीद देना जानता है, वो मुर्दे में जान डालना जानता है। और दो चीजें उन्होंने बताई, धर्म और कर्म, 100% जो है प्रोडक्ट को काम लेना। अगर हम आरसीएम से जीवन भर का रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, घर में बीमारियां नहीं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो प्रोडक्ट को 100% काम में लेना हमारा धर्म है, और इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना ये हमारा कर्म है। तो थैंक यू प्रहलाद सर। और जो होप वाली बात बताई, अब हम जहां पर जो चल रहे हैं, तो एक चीज जो है वो आज मैं आपके साथ, एक बहुत ही खतरनाक चीज जो है वो आरसीएम क्या क्या देता है, आपने कभी गौर किया हो, नहीं किया हो, लेकिन एक आरसीएम के इतने डिपो हैं, इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन जितनी भी मेरी माताएं बहनें आज जो है इस मीटिंग को सुन रही हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी फैमिलीज के लिए जानना बहुत जरूरी है, आरसीएम की यूनिकनेस। हमारा बिजनेस भी जो है वो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, तो आरसीएम की बहुत सारी यूनिकनेस है। और उसके अंदर बहुत सारी, देखो दो चार विदेशी कंपनी है, दो चार देशी कंपनी है, जिनका टर्नओवर देश में जो है वो ठीक ठाक सा जो टर्नओवर है, और पूरी भारत देश में जितनी भी करीबन 13,000 करोड़ के आसपास का जो टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का आज का हो रहा है, करीबन करीबन उसमें 25-28% के आसपास का आरसीएम की हिस्सेदारी है टोटल टर्नओवर के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है, आरसीएम को छोड़ के
जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो टूर हो, उनकी जो ट्रेनिंगें हों, या उनका कहीं रिजोर्ट में प्रोग्राम हो या कहीं पर भी हो, वो लोगों को मैं वर्ड काम में नहीं लेना चाह रहा यहाँ पर, लेकिन आप जितने भी कोर साथी हैं, सीनियर साथी हैं, अगर आपका कोई साथी कभी ना कभी या किसी दूसरी कंपनी में गए हुए आदमी को आप जानते हैं, तो उससे पूछना कि दोनों में फर्क क्या है। तो कुछ लोग जो ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं, बोला वहां तो पूरा खुल के हम लोग जो है ना वो दारू वारू और सब कुछ पीते हैं। कितना खतरनाक सीन है, मतलब लोगों को बर्बाद कर करके वो लोग अपनी कंपनियां खड़ी करते हैं। और आरसीएम बिजनेस में जो भी आता है, यहाँ का जो माहौल है, अगर आरसीएम में मिलेगा तो आपको सात्विक भोजन मिलेगा दोस्त, राइट? वो जो आप आराम से हजम कर लें, प्रोडक्ट भी वो जो आप आराम से हजम कर लें, यानी कि एक ही उद्देश्य है लोगों के घर से। इसलिए आप पूरे आरसीएम बिजनेस में देखेंगे आपको हर जगह हरा निशान मिलेगा, गोले में हरा निशान, एवरीथिंग इज, है ना, चाहे वो किसोल के भी प्रोडक्ट हो, लिपस्टिक वगैरह हो, किसी भी चीज पे आप देख लीजिए, आपको टोटल 100% वेजिटेरियन मिलेगा। ये क्या वजह क्या है? क्योंकि फाउंडेशन ऐसी है, और ये जो फाउंडेशन है ना, ये ड्राइवर और जो हमारे पायलट्स हैं, ये उनकी वजह से होता है। नींव हमेशा वही रखते हैं, और उसके ऊपर जो साम्राज्य खड़ा होता है। कितने सारी ऐसी फैमिलीज मैंने अतीत में देखी, 15 साल पहले, 20 साल पहले, है ना, मिलते ही रहते हैं कि भाई साहब ये जो है हमारे जो है ये 35,000 की तनख्वाह लेते थे, अभी इन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया है, और आरसीएम आने के बाद इन्होंने जो है दारू वारू ऐसा कुछ जो है वैसे जो करते थे वो इन्होंने छोड़ दिए। पहले तो पूरी की पूरी तनख्वाह को ये इसमें उड़ा देते थे, अभी आरसीएम से तो 10-12-15 हज़ार रुपया इनका आ रहा है, लेकिन अगर एक पैसा भी नहीं आया तो भाई साहब इनको आरसीएम में रखना, कम से कम हम लोग शांति से जी ले। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के घरों से। तो आरसीएम की वैल्यू क्या है ये, मतलब, और जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही है, अगर कभी भी आपके घर में आपके जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो इधर उधर कहीं पर हो, तो उनको उस वक्त मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इस फैक्टर को जो है वो आप हमेशा मुझे उम्मीद है जरूर कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां पर सब कुछ अगर थोड़ा बहुत जो कमा भी लेगा तो भी वापस उसने होना बर्बाद ही है, राइट? अल्टीमेट है, क्योंकि फाउंडेशन लालच के धरातल पे है। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लालच का धरातल होता ही नहीं, राइट? और जब धरातल में नींव में ही लालच होता है तो बिल्डिंगें जो है वो बहुत बड़ी और बहुत लंबे समय तक जो है वो ठहरती नहीं है। और जो होप की मैं बात करूं, अब आपके सामने जो शख्सियत आपके बीच में आ रही है, देखिए जब आरसीएम की पहली वाली एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे लग्जरी गाड़ी ली थी हमने, तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि आरसीएम बिजनेस से लग्जरी गाड़ी भी ली जा सकती है। होंडा सिटी उस टाइम पे वो 8-9 लाख रुपए की आती थी गाड़ी। फिर उसके बाद जो है हमारे बीच में आदरणीय मुकेश कोठारी साहब इस आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति बने, राइट? और लोगों के अंदर, पूरे आरसीएम परिवार के अंदर एक उम्मीद जगी, हर आम से आम डिस्ट्रीब्यूटर की, कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूं, राइट? और ये वो दौर था जब एक प्रोडक्ट था और हम 2 से या 3-4 प्रोडक्ट तक पहुंचे थे, राइट? तो वही शख्सियत जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को नए नए आयाम दिए हैं, जिनके पूरे देश में जो है वो फैन फॉलोइंग बहुत ही गजब की है, मीटिंगें, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, राइट? वो सारी चीजें आज हमें क्या देने वाले हैं, आपकी डायरी और पेन खोल के आप लोग जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूं आदरणीय मुकेश जी कोठारी। वेलकम मुकेश सर। धन्यवाद कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रहलाद जी की उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। ये गुरु का और शिष्य का दिन है, तो जो लोग मेरे शिष्य हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे शिष्य मुझे मिले। और जो गुरु हैं उनसे मैं आज कमिटमेंट करता हूँ कि जिंदगी भर आप लोगों से सीखा हूँ और जिंदगी भर आप लोगों से सीखूंगा। दोस्तों टू द पॉइंट हम चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रहेगा। 9:05 हो चुके हैं और मुझे 15 से 20 मिनट में अपनी बात को रखनी है। बात रखनी है 22 साल की, लेकिन टाइम है मेरे पास ओनली 15 मिनट का। दोस्तों आप लोगों को बधाई सबसे पहले मैं देता हूं कि आप एक ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जहां पर आपको संभालने के लिए हजारों हाथ है और हजारों लोग आपको दिल से चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में कामयाब हो जाए। लेकिन किसी भी चीज की सफलता, किसी भी चीज की कामयाबी जिस चीज पर डिपेंड करती है वो होता है बैक टू बैक डुप्लीकेशन। अगर आपकी टीम में आप जैसा आदमी आप अपने नीचे तैयार कर पा रहे हैं तो वहीं से डुप्लीकेशन चालू होती है, और वही इस बिजनेस का मेन आधार होता है।
वही इस बिजनेस का मेन ग्रोथ का आधार होता है। एक एक चीज को डुप्लीकेट करना, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपके आगे जाने वाले अपने अनुभव के आधार पर अपने रूल कायम कर देते हैं और आपको वहां तक जाने तक के लिए कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक रूल बना हुआ होता, उस रूल के आधार पर हमें वहां तक पहुंचना होता। छोटी छोटी बातों पर डुप्लीकेशन होती है। इवन देन जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरी एज मात्र 26 साल की थी, और 26 साल की एज होने की वजह से जब हम किसी बड़े व्यक्ति को या बुजुर्ग व्यक्ति को प्लान बताते थे तो सारे लोग हमें कहते थे, यार तू इतना छोटा सा बच्चा है, तू क्या हमें बिजनेस समझाएगा, और तू लाखों करोड़ों की बात कर रहा है और तेरे पास तो कुछ पैसा आता नहीं है। और वो मुझे एग्जाम्पल देते थे कि हमारे जो बाल है ना वो धूप में सफेद नहीं हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे अनुभव हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, ऐसी बहुत सारी स्कीमें आती और जाती है, कुछ होने वाला नहीं। और मेरी बात कोई मानता नहीं था। लेकिन जब मेरी अपलाइन प्रहलाद राय जी, मेरी अपलाइन श्रीमान केसी छाबड़ा जी और बीसी छाबड़ा जी की हम बात सुनते थे, तो बीसी छाबड़ा जी को मैं बहुत नजदीकी से फॉलो करता था। बीसी छाबड़ा जी बार बार एक चीज कहते थे कि कॉपी कर लो, इस बिजनेस में कॉपी कैट मार्केटिंग चलेगी, जितनी आप कॉपी करेंगे उतना इस बिजनेस में जल्दी सफल हो जाएंगे। पहिए का आविष्कार हो चुका है, आपको बार बार पहिए का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी अगर दिल्ली जा चुका है तो आपको नए अनुभव लेने की जरूरत नहीं है, जो दिल्ली जा चुका है उससे पूछ लो कि कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर आते हैं और कहाँ कहाँ में कौन कौन से चैलेंज आने वाले हैं, ताकि दिल्ली तक जाने में हमारा अनुभव लेने में समय खराब ना हो। और इस डुप्लीकेशन में सबसे पहली चीज, मैं इतना पागल था, इतना दीवाना था इस बिजनेस के प्रति, तो आपको आश्चर्य होगा कि बीसी छावड़ा जी, पहले मैं जो बाल रखता था ना अमिताभ बच्चन वाले रखता था, और यू पूरे के पूरे बाल पीछे की तरफ रहते थे, लेकिन जब बीसी छावड़ा जी ने ऐसे बाल रखना चालू किया ना, तो मैंने बिना सोचे समझे अपने बाल की स्टाइल बदल ली। वो टाई हमेशा पहनते थे, मैंने टाई पहनना चालू कर दिया। वो सूट हमेशा पहनते थे, मैंने सूट पहनना चालू कर दिया। और जैसे वो बोलते थे वैसे मैंने बोलना चालू कर दिया। वो दिन रात लोगों से बात करते थे, मैंने भी बात करना चालू कर दिया। वो दिन रात लोगों को प्लान बताते, मैंने भी दिन रात लोगों को प्लान बताना चालू कर दिया। और हूबहू कॉपी करने की वजह से आज इतने अच्छे गुरु के सानिध्य में रहने की वजह से हम यहाँ पर आए। डुप्लीकेशन में सबसे पहले क्या चीज होती है, आप जैसे देख लेना कि अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो आप अपने बच्चे को जब भी आप सिगरेट और बीड़ी पीने के लिए मना करेंगे ना, तो आपकी बात में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद उसे पीते हैं। एक दादी थी जो अपने पोते को लेकर एक महाराज के पास गई थी। पोता जो है गुड़ बहुत खाता था, गुड़ खाने का उसे बहुत शौक था, और दादी जो है ना बार बार उसे मना तो करती थी, लेकिन दादी का दिल जो है इमोशनल था अपने पोते के प्रति, और उसे गुड़ खाने के लिए दे देती थी, लेकिन मन से चाहती थी कि वो गुड़ कभी ना खाए। इसलिए वो महाराज के पास गई और महाराज के पास जाकर समस्या बताई। महाराज को बोला कि महाराज, ये मेरा जो पोता है ये बहुत गुड़ खाता है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये गुड़ ना खाए। महाराज ने उस बच्चे की तरफ देखा, अपनी आंखों को नीचे किया और कहा कि माता जी आप ऐसा करो, 7 दिन बाद आओ। 7 दिन बाद गए, 7 दिन के बाद महाराज ने फिर कह दिया 7 दिन, फिर अगले 7 दिन बाद फिर महाराज ने 7 दिन, ऐसे करते हुए 1 महीना निकल गया। महाराज कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अगला सप्ताह यानी 5वां सप्ताह आया तो महाराज ने सिर पर हाथ रखकर बच्चे को धीरे से बोला, बेचा आंखों में आंखें मिलाकर। उससे पहले महाराज आंखें नहीं मिला रहे थे, इस बार महाराज ने आंखों में से आंखें मिलाकर बच्चे को धीरे से बोला, बेटा गुड़ खाने बुरी बात, गुड़ नहीं खाना चाहिए। कमाल यह हुआ कि बाबा की बात इतनी जोरदार लगी कि बच्चे ने गुड़ खाना अगले दिन से बंद कर दिया। लेकिन दादी को एक बात समझ में नहीं आई, वो बात यह थी कि जब एक लाइन में बोलना था कि गुड़ खाना बुरी बात है, तो ये तो महाराज पहले ही बोल सकते थे, पहले क्यों नहीं बोला। तो वो महाराज के पास जिज्ञासा के साथ वापस गई और कहा कि महाराज, आपको जब एक लाइन बोली थी, मेरे को 5 बार आपने क्यों घुमाया, ये आपको पहली बार में बोल देना था। तो महाराज ने एक बात बोली कि देवी, मैं खुद पहले इतना गुड़ खाता था और मेरा गुड़ खाना ही मेरी इतनी आदत थी कि तो मैं खुद गुड़ खाता हूं तो मैं इसको कैसे सजेशन देता हूं। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था इसको बोलने का, तो मैं इतने दिन खुद प्रैक्टिस कर रहा था गुड़ खाने की, गुड़ नहीं खाने की, और उसकी वजह से कि मैंने जिस दिन गुड़ खाना छोड़ दिया उस दिन मैंने कॉन्फिडेंस से बोल दिया और बच्चे ने इस बात को मान ली। इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस में जब भी कोई डुप्लीकेशन होती है तो आपको आइडियल माना जाता है, आपको टीम का हीरो माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी अपलाइन की तरह मैं बनूं, और अपलाइन की तरह बनूं तो हर चीज डुप्लीकेशन होती है, और डुप्लीकेशन पे सबसे पहला पॉइंट होता है ना, वो कट्टरता होती है, और उसे कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज मतलब नो एक्सक्यूज।
मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बीसी छाबड़ा जी की सेमिनार में जाता था और वो कहते थे कि हमें 100% आरसीएम के जो जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनका इस्तेमाल करना है, सूट सिलाना है, मैंने सूट सिलाया, उन्होंने कहा टाई पहननी है, आरसीएम में टाई नहीं आई थी, मैंने टाई खरीद ली और टाई पहनना चालू कर दिया और एक एक चीज को डुप्लीकेट किया। जब आरसीएम का पेन आया तो मैंने पेन भी आरसीएम का रखना चालू कर दिया और जब मैंने ऐसा किया तो मेरी टीम के भी सारे लोग ऐसा ही करने लगे। मैं पहले भाषण देता था, भाषण कोई नहीं सुनना चाहता, मेरे भाई तुम अपने बच्चों को भाषण दे के देख लेना, तुम बच्चे को जब 10 बार समझाओगे तो बच्चे भी तुम्हें टोकने लग जाएंगे, क्या बोलेंगे, पापा इतना ज्ञान मत फैलो, आप इतनी लंबी बात मत करो, एक लाइन में बात करो, आपके बच्चे ही आपको टोक देंगे। इसका मतलब यह है कि कोई आदमी ज्ञान नहीं लेना चाहता, हर व्यक्ति देखना चाहता है, इसे करते हुए आइडियल व्यक्ति को देखना चाहता है और तभी वो डुप्लीकेशन करता है। 100% नो प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और हमारे घर में अगर आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हम अपराध कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, आरसीएम को बदनाम कर रहे हैं और हम टीम में डुप्लीकेशन का गलत आदत कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए कि जब आप आरसीएम की मीटिंग में जाते हैं और आपने सॉक्स जो है आरसीएम के नहीं पहने, किसी और कंपनी के पहने हैं, और जब ये बात आपकी डाउनलाइन को पता चलती है तो डाउनलाइन भी वैसे ही डुप्लीकेट हो जाती है, वो भी कुछ भी पहनती है लेकिन स्टेज पर बोलती है कि आरसीएम का पहनो, आरसीएम का खाओ, और तभी क्या होता है, भाषण देने वाले लोग वो सारे तैयार हो जाते हैं लेकिन उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बीइंग ए लीडर, अगर मेरे घर में कोई भी आरसीएम का प्रोडक्ट आता है तो मैं अपराधी हूं, ये चीज अगर आपने मान ली तो आपके लिए डुप्लीकेशन के लिए एक रामबाण साबित होगा। हर चीज सबसे पहले आपको करके देखनी पड़ेगी। कोई भी लीडर दुनिया में टॉप पर नहीं जाएगा अगर वो हमेशा कहेगा कि भीड़ तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे पीछे हूं। हमेशा लीडर कहता है मैं आगे चलता हूं तुम आओ मेरे पीछे। जब आप ऐसा कहते हैं तब आपकी डुप्लीकेशन करती है। आपके घर में अगर एक भी प्रोडक्ट दूसरा पाया जाता है तो वहां से गड़बड़ होगी, क्योंकि जब डायमंड क्लब की बात आती है या 5000 पीवी की बात आती है, उस 5000 पीवी में सबसे पहले अगर हम नहीं करते और हम केवल डायलॉग बोलते हैं कि 5000 पीवी करो, 5000 पीवी करो, तो डायलॉग ही रहेगा, लोग इस कान से सुनकर इस कान से निकालेंगे। अगर आप करते हैं, सबसे पहले आपको करना है, अपने ग्रुप में सबसे पहले डालना है और आपको उस प्रोडक्ट को सेल करके बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। आज अगर इस बिजनेस को करना है तो सबसे पहले कसम खानी पड़ेगी, वो कट्टरपंथा दिखानी पड़ेगी कि मेरे घर में कोई दूसरा प्रोडक्ट आएगा ही नहीं और आ ही नहीं सकता। अगर इस बात को मानने के लिए आप तैयार हैं तो मैं अगली बात करने के लिए तैयार हूं। बाकी आप टाइम पास कर रहे हैं और अगर टाइम पास ही करना है तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है, उनको आप देखिए, जितना चाहिए उतना टाइम पास कीजिए। लेकिन अगर कामयाब होना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं मेरी अपलाइन की तरह, आप कामयाब होना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा 100% प्लस यूज, नो एक्सक्यूज। ऐसी किसी भी बात को अपने जवान से मत निकालना जो आप नहीं करते। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरसीएम की मीटिंग अटेंड नहीं करते, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते तो आप डायमंड क्लब का भाषण मत दीजिए। लोग भाषण सुनने नहीं आएंगे, लोग आएंगे आपके जैसा बनने के लिए, आपके जैसा आइडियल बनने के लिए। और अगर आइडियल बनना चाहते हो लोगों के लिए तो आज के बाद एक एक कदम ऐसा करो कि हर चीज डुप्लीकेशन हो जाए। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब मैं मीटिंग सेमिनार में जाता था तो बीसी छाबड़ा जी का बहुत बड़ा कद था, उस समय बड़े बड़े लीडर का बहुत बड़ा कद था, लोग उनकी वैल्यू करते थे, उनका ऑटोग्राफ लेते थे। और जब मैं मीटिंग लेने जाता था तो मुझे तो कोई स्टेशन पर लेने नहीं आता था, बस स्टैंड पर लेने नहीं आता था, मेरा तो कोई वेलकम नहीं करता था। तो मैंने बीसी चावड़ा जी से कहा कि भाई मैं रॉयल्टी पे पहुंच गया हूं, अब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता जैसा हम आपके साथ करते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम अगर ये करते हुए लोगों को जब तक नहीं बताओगे तब तक लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। आप तुम लोगों को कहोगे कि मेरे लिए वेलकम करो, मेरे लिए फूल माला लाओ, मेरे लिए सब कुछ करो, तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और तुम्हारी इमेज और डाउन होना चालू हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें करके दिखाना है। तो उसके बाद जब मेरी अपलाइन मेरे शहर में आती थी तो मैं दौड़ कर जाता था उनके पास, गाड़ी का गेट खोलता था, उनके हाथ में से बैग लेता था, उनको एक बुके और गुलाब का फूल देता था और कहता था वेलकम सर। लेकिन जब मैं ये करता था तो मेरी टीम के 10 सदस्य मेरे पीछे खड़े होते थे और वो बोलना देखना देख देख कर सीख जाते थे। और जब मैं अगली बार उनके गांव में जाता था तो वो का वही ट्रीटमेंट मेरे साथ करते थे। एक एक पॉइंट पे डुप्लीकेशन होगा।
अब आप अपनी टीम के साथ बैठे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एक तरीका है आपस में गप्पे मारिए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और एक तरीका है कि ऐसा पॉइंट फेंकिए कि सामने वाले आदमी, हर व्यक्ति उसको डुप्लीकेट करने के लिए तैयार हो जाए। जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में उनसे बात करने के बजाय आप किसी एक नए आदमी से परिचित हो जाइए, परिचय लीजिए, नए आदमी से बातचीत की शुरुआत कीजिए, बात को आरसीएम में ले जाइए और आरसीएम का प्लान दिखाइए। जब आप अपनी टीम के 5-7 बंदों के सामने ये काम करते हैं ना, तो आपके बंदे ऑटोमेटिक अगली बार जब ट्रेन में जाएंगे तो आपस में बात नहीं करेंगे, वो बात करना चालू कर देंगे टीम के लोगों के साथ। इसका मतलब यह है कि डुप्लीकेशन टिकी हुई है खुद के ऊपर, और खोज अगर आप करेंगे तो 100% काम होगा। तो पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार हैं तो मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, अगर आप करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप टाइम खराब मत कीजिए, आप क्विट कर जाइए, इस बिजनेस को क्विट कर जाइए, इस जूम की मीटिंग को क्विट कर जाइए, क्योंकि आगे की कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो जो करना चाहते हैं एक बार अपना हैंड रेज कीजिए, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, हैंड रेज 30 सेकंड के अंदर आप हैंड रेज कीजिए। 30 सेकंड में आप YouTube चैनल पे लिखिए, यस मैं तैयार हूं। अगर आप पहले काम के लिए तैयार हैं तो मैं बताता हूं आपको दूसरा काम क्या करना है। 100% प्लस यूज, नो एक्सक्यूज करने के बाद सिंपल सा काम है, 3-4 लाइन का एक सिंपल सा मैसेज है, यूज द प्रोडक्ट, खत्म हो गया, प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क, प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क। अब आपको जो जो प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, अब आपको जो जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, सिर्फ उनके बारे में आपको तारीफ करनी है। आपको किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में तारीफ नहीं करनी है, खबरदार, तारीफ नहीं करनी है जिसको आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है, क्योंकि आप अमिताभ बच्चन नहीं है, आप शाहरुख खान नहीं है, माधुरी दीक्षित नहीं है कि लोग आपका चेहरा नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, हमारा चेहरा जो है ना कलाकार का नहीं है, हमारा चेहरा सामने वाले को सब बता देता है, और हम चेहरे पहचानने के कलाकार लोग हैं। जैसे एग्जांपल, तुम तुम्हारी माँ के पास जाते हो ना, तो माँ तुम्हारे चेहरे को देखकर धीरे से बोल देती है, क्यों आज बहुत उदास लग रहा है? तुमने बोला नहीं मैं उदास हूं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे चेहरे को पढ़ लिया। तुम्हारे दोस्त के तुम पास जाते हो और तुम बहुत खुश होते हो, तो तुम्हारे दोस्त पहचान जाते हैं और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से कहते हैं, अरे भाई क्या बात है, तुम बहुत आज खुश नजर आ रहे हो। इसका मतलब यह है, हमारे बोलने से पहले हमारा चेहरा बोलता है, और जिस दिन हमारा चेहरा बोलना चालू होता है तो सामने वाला उस बात को समझ जाता है। एक होता है सेल्समैन बनना और एक होता है सच्चा सेल्समैन बनना। सेल्समैन वो होता है जिसको प्रोडक्ट बेचने पर ही ध्यान होता है, कैसे भी करके प्रोडक्ट बेचना है, गंजे को कंघी जाकर बेचनी है। लेकिन सही सेल्समैन होता है ना, वो जरूरतमंद की हेल्प करता है, प्रोडक्ट बेचने में सहयोग करता है, प्रोडक्ट खरीदने में सहयोग करना है, डिसीजन लेने में सहयोग करता है। उन लोगों की बात दुनिया में सुनी जाती है, उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। आप किसी के पास जाइए, दोस्ती कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए, और फिर उसकी जरूरत को समझिए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रमोट करना चालू कीजिए। जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया ना, सामने वाला समझेगा ही समझेगा। मैं फिल्म बहुत कम देखता हूं, एक बार मेरा दोस्त 3 इडियट फिल्म देख के आया, तो मेरे दोस्त को मैंने कहा फिल्म कैसी लगी, तो मेरा दोस्त मुझे ऐसे उंगली करके एक आंख बंद कर कर कहता है, गजब सर, मजा आ गया। अरे भाई, उसने स्टोरी नहीं सुनाई, यूं यूं बोला और मुझे फिल्म समझ में आ गई, क्योंकि यूं यूं करने के प्रति उसका कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम खुद देख चुके होते हैं, जब हम खुद इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अगर आपने वो यूज किया, अगर आपने इस्तेमाल किया, तो आपके धड़ल्ले से प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएंगे। मैं आसनसोल की उस लेडीज का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के 3 साल पहले मैं आसनसोल की सेमिनार अटेंड करने गया था, एक लेडीज आई, उस लेडीज ने कहा कि मैंने 2 महीने में 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स के डब्बे बेच दिए। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे उनकी एजुकेशन पूछी तो 8वीं 10वीं पास थी, मुझे समझ में नहीं आया कि इसने 100 क्या करके बेच दिए। जब मैंने ध्यान लगाया, उससे पूछा कैसे बेचे, तो उसने कहा कि मेरा बच्चा बचपन से ही अस्थमा का शिकार था, अस्थमा उसको रहता था, बार बार उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता था, थोड़ी सी सर्दी गर्मी को वो सहन नहीं कर पाता था। मैं कई डॉक्टरों को बता दिया, कोई इसका इलाज नहीं था, लेकिन एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आया और उसने मुझे बताई, मुझे बिलीव तो नहीं था, लेकिन माँ का दिल था, मैं कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने न्यूट्रीचार्ज किट्स लिया और 3 महीने तक लगातार पिलाया, और उसका नतीजा था कि आज उसकी इतनी एंटीबॉडी, इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी कि उसको जुकाम होना ही बंद हो गया। अब मेरा बच्चा आइसक्रीम खाता है। जब इस प्रोडक्ट का मुझे पता चला, जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करके देखा, उस दिन से मैंने बोलना चालू करा
कि अगर आपके बच्चे को ठीक करना है तो इस प्रोडक्ट को लो। अब उस लेडीज को न्यूट्रिशन के इफेक्ट पता नहीं थे, इस प्रोडक्ट में क्या था पता नहीं था, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस था उस प्रोडक्ट को सेल करने में और वो लेडीज ने उन प्रोडक्टों को सेल कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें अच्छे लगेंगे उन्हीं को हम प्रमोट करेंगे और जिनको हम प्रमोट करेंगे तो वो सेल में अपने आप बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। अब ये तीन काम करने वाले लोगों को नेटवर्क में लाना है। जब भी कोई आदमी कॉमर्शियल बात करे, कॉमर्शियल काम करे, आपको कितना मिलता है, आपको कितना फायदा है, आपके कितने परसेंटेज है, जो ही कोई आदमी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपके पैसों में बताना चालू करता है, आप उसे प्रोडक्ट देने के साथ साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन कुछ आदमी प्रोडक्ट लेने के लिए ही बिजनेस, प्रोडक्ट लेने के लिए ही आते हैं, उनको इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो जबरदस्ती ज्वाइन कराने का कोई फायदा नहीं है। संख्या बढ़ाकर आप करेंगे क्या? हर व्यक्ति जो आपके नेटवर्क में आया है वो प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, प्रोडक्ट को सेल करेगा और ये तीन काम करने वाले लोगों को अपनी टीम में लाएगा। और जिस दिन 100 आदमी हो गए, 250 रुपए पीवी का प्रोडक्ट अगर आप रोज का सेल करें तो 7,500 पीवी होते हैं, और 2,500 पीवी का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 10,000 पीवी आपके बनते हैं। 10,000 की डुप्लीकेशन अगर आपके करते हैं तो 100 आदमी आपकी टीम में, सिर्फ 100 आदमी आपकी टीम में ये काम करने वाले होते हैं, आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर होते हैं, 40,000 रुपए पर मंथ की इनकम होती है। इसका मतलब है कि ये काम आप करेंगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ होता जाएगा, डुप्लीकेशन से बढ़ता जाएगा। आपकी टीम की मीटिंग करना है, 100% यूजर को सम्मान देना है, और जब जब भी आप 100% यूजर को आप सम्मान देंगे तो आपका बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के अंदर होने वाला है। इस बिजनेस में कोई भी आदमी इसलिए कामयाब नहीं हो सकता कि वो बहुत बड़ा दिमागदार है, उसके बहुत सारे बात, उसके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए वो कामयाब हो जाएगा। ये गलत फहमी है, दिमाग से इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलती। इस बिजनेस में दिमाग लगाने से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, दिमाग लगाने से आप ट्रेडिशनल को बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी काम को करने के प्रति आपका उद्देश्य और उस काम को करने के प्रति आपका उत्साह, एक्साइटमेंट कितना है, ये बात डिपेंड करती है कि हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे नहीं होंगे। अब एक्साइटमेंट कैसे आता? एक्साइटमेंट तब आता है जब हम पांचों इंद्रियों को एक साथ काम में लेते हैं। हमारे पांच इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, जबान है, त्वचा है और आंख है। जब भी किसी चीज को हम इन पांच इंद्रियों से एक साथ छुएंगे वो जिंदगी भर के लिए हमारा एक्साइटमेंट बन जाएगी। आपको अगर मैं बोलूं कि आप में से 100 सारे के सारे आदमी, लगभग 14,000-15,000 आदमी YouTube पर देख रहे हैं, 1,000 आदमी आपको यहां कह रहे हैं, देख रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं आज की ही तारीख को पिछले साल इसी टाइम पर आप क्या कर रहे थे, आप में से एक भी आदमी ये नहीं बता पाएगा कि आप क्या कर रहे थे। लेकिन मजे की बात है, 26/11 के अटैक के दिन जो आदमी उस अटैक में शामिल था ना, जिस अटैक को उसने पांचों इंद्रियों से महसूस किया, वो अटैक वो आज दिन तक नहीं भूल पाया है। वो अपनी बर्थ डेट भूल सकता है, वो अपनी एनिवर्सरी की डेट भूल सकता है, लेकिन वो 26/11 की डेट नहीं भूल सकता। उस समय उसने इस सारी चीजों को पांचों सेंसर से इस्तेमाल किया, पांचों सेंसर से इन किया कि वो 26/11 की डेट को कभी नहीं भूल सकता। जब पांच इंद्रियों से आप काम करेंगे तो आपका काम होगा। पहला काम, आरसीएम के वंडर वर्ल्ड को, आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करो। सबसे पहले जब इन पांचों इंद्रियों को आप सेंस करेंगे, जब कंपनी को आंखों से देखोगे, प्लांट को चलते हुए देखोगे, डिस्पेच को जाते हुए देखोगे, जब सुनोगे टीसी छाबड़ा जी के मॉर्निंग के सेशन को, जब पांचों इंद्रियों से करोगे ना, तो फिर तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा, बिल्ड हो चुका होगा। फिर तुम्हें कोई कहेगा ये क्या आरसीएम कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी आती है, तो बोलेंगे आरसीएम जैसी कोई कंपनी नहीं है, मैं देख के आया। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी चीज को देख लेते हैं तो आप 100% कन्विंस हो जाते हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी के थप्पड़ मार दी और आपने अपनी आंखों से देख लिया, अब पूरा जमाना आकर आपको कन्विंस करे कि इसने थप्पड़ नहीं मारी, आप मानेंगे क्या? आप नहीं मानेंगे। आपने अपनी आंखों से देखा तो आप किसी की सुनेंगे नहीं। तो आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करना है,
आरसीएम के एकेडमी में आना है, अपनी टीम को रेगुलर लाना है, पीसी छाबड़ा जी की जो कार्यशाला होती है, जो क्लास होती है, उसको रेगुलर अटेंड करना है। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपका बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में होना चालू हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है, अपनी इंद्रियों से कामयाबी को देख, और कामयाबी को अगर आपको देखना है तो 14 तारीख नवंबर की भूल मत जाना। कितनी तारीख है, 14, 14 नहीं है 13 तारीख है। कितनी तारीख है, 15, 15 नहीं है 13 है, 13 नवंबर। 13 नवंबर को पूरे इंडिया में आरसीएम बिजनेस में जो एनिवर्सरी होने वाली उसका महत्व तो समझ जाइए। ये वो समागम है जो पूरे साल में एक बार होता है, और एक बार अगर आप चूक गए तो एक साल का आपको इंतजार करना पड़ता है। सारी कंपनी का मैनेजमेंट यहां पर होता है, टीसी छाबड़ा जी का मार्गदर्शन यहां पर होता है, आरसीएम के सारे कोर लीडर एक जगह पर पाए जाते हैं, आरसीएम के सारे रॉयल्टी के और सारे टेक्निकल एचीवर एक जगह पाए जाते हैं, आरसीएम के सारे नए अचीवमेंट पाए जाते हैं, न्यूट्री चार्ज के सारे मैनेजमेंट पाया जाता है, गावा ओरिजिनल का मैनेजमेंट पाया जाता है, की सोल का मैनेजमेंट पाया जाता है, गुड डॉट का मैनेजमेंट पाया जाता है, न्यूट्री चार्ज का मैनेजमेंट पाया जाता है। सारे लोग एक जगह समागम होते हैं। जब इन चीजों को पांचों इंद्रियों से आप छूते हैं ना भाई साहब, तब जाकर कहीं अंदर से एक एक्साइटमेंट पैदा होता है किसी काम को करने का। और मजे की बात है, आरसीएम बिजनेस में एक एमराल्ड एंड अबव साथी बता दीजिए, मैं इस बिजनेस में आप जो कहेंगे वो करूंगा। एक एमराल्ड एंड अबव साथी बता दीजिए जो आरसीएम की किसी एनिवर्सरी में नहीं आया हो और एमराल्ड एंड अबव साथी बन गया हो, असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि एनिवर्सरी में अगर आप आ गए तो बहुत बड़ा काम आपका होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा माइनस पॉइंट यह है कि एनिवर्सरी की जो कैपेसिटी है वो 18,000 है, 18,000 है। और मजे की बात है कि 18,000 पास से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते। और मजे की बात है, एक लीडर को 500 पास मिल गए हैं, यानी 500 पास हो गए, एक कॉल लीडर को 5,000 चाहिए और मिले हैं 500। अब आपका नंबर कैसे आएगा? अगर आपका नंबर आ गया तो टेक्निकल फाइनल है, और नहीं आया तो कुछ भी फाइनल नहीं होना, एक साल का इंतजार करना है। अब अगर आना है तो क्या करेंगे, क्योंकि एक कॉल लीडर को 5,000 चाहिए और एक कॉल लीडर को मिलेंगे कल 500, और 500 जो उसके पास पास आएंगे उससे वो लोगों को सेलेक्ट करके देगा। अब आपको वो पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये पास आप कैसे लेंगे ये आपकी काबिलियत निर्भर करेगी। अगर मुझे बताओगे, मेरे से पूछोगे, मैं बताऊंगा आपको तरीका। कितने लोग पूछना चाहते हैं एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं तरीका बताता हूं कैसे मिलेगा पास। सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं। एक मां है, उसके दो बच्चे एक साथ पैदा हो गए, यानी ट्विंस पैदा हो गए। अब एक बच्चा पैदा होने के बाद चुपचाप बैठा हुआ है, इधर उधर चुपचाप सोया हुआ है, इधर उधर देख रहा है, और दूसरा बच्चा तेज तेज चिल्ला रहा है, तेज तेज रो रहा है। तो आप मुझे बताइए, मां दूध पहले किसको पिलाएगी? चिल्लाने वाले को, चुप रहने वाले? चिल्लाने वाले को, ऑब्वियसली। बता दिया फॉर्मूला, आज से चिल्लाना चालू कर दो, अपनी अपलाइन का जीना हराम कर दो। एक फोन सुबह एक फोन शाम को लगाओ और कहो कि सर मुझे पता नहीं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं जाने वाला हूं, और आपका यह कर्तव्य है, परम धर्म है, मुझे आपको ले जाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, क्योंकि हर को लीडर अपनी टीम में ऐसे एक्साइटेड और कमिटेड आदमी को ढूंढ रहा होता है, और जब आपका कमिटमेंट उसे पता चल जाता है तो उसका नाम आपको याद रह जाता है और वो आपके लिए उस टिकट को रिजर्व करेगा। 13 नवंबर की इस एनिवर्सरी को भूल मत जाना, अभी से तैयारी कर लेना, क्योंकि जो आ गया उसकी पिन फाइनल, जो आ गया उसका कामयाबी फाइनल। लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज को भूल मत जाना दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ही टीम में डुप्लीकेशन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, मैं उसके लिए सभी लोगों का पूरा आभारी हूं। हर व्यक्ति से सीखता हूं, गुरु पूर्णिमा है तो आप सब लोग मेरे गुरु हैं, आप लोगों से सीखता हूं और हमेशा सीखता रहूंगा, ऐसे मैं वचन करता हूं, ऐसे मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू कदम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकेश जी कोठारी साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही परफेक्ट। और जो चीजें मुकेश सर ने बताई, जो अहमियत है डुप्लीकेशन की, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, हम जैसा करेंगे वैसे हमारी टीम करती चली जाएगी। और कितने शानदार तरीके से जो है वो मुकेश सर ने जो है इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज।
क्योंकि जो भी कुछ निकलेगा, चाहे वो हेल्थ हो या पैसा है, निकलेगा वो प्रोडक्ट में से, तो वो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला स्टेप है। आगे जो भी कुछ होगा इस पहले स्टेप के बाद ही होगा। एनुअल फंक्शन के बारे में मुकेश सर ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, जो आगे बढ़ के टिकट मांगेगा, है ना, दो बच्चों के एग्जाम्पल के माध्यम से, तो भाई साहब जो चुपचाप बैठेगा उसको तो वैसे नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से एक रोल्टी अचीवर को जो है एक या दो तीन टिकट से ज्यादा वैसे भी हिस्से में नहीं आएंगे, ठीक है ना, अगर तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो। तो चलिए अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के बहुत ही एक्साइटिंग सेशन के लिए, फुल एनर्जी वाला सेशन ये रहा। और एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं इससे पहले आदरणीय टीसी सर हमारे बीच में आए, आज बुधवार है, अगले बुधवार को जैसे अभी मुकेश सर ने बताया करीबन 15-17 हजार लोग जो है वो साथी लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, जूम का सेशन ये पैक है। अगला जो 20 जुलाई का जो सेशन होगा उसमें आदरणीय टीसी सर तो हमारे साथ रहे ही रहेंगे, लेकिन हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, जिन्होंने पूरे देश में एक एक दोस्त को पकड़ पकड़ के उंगली थाम थाम के करोड़पति बनाया, पूरे फील्ड में, पूरे देश में, जहां से भी आवाज आई, जिस भी साथी की आवाज आई वो वहां पहुंचे और उनको ब्रेन से हो चाहे भावनात्मक रूप से हो, हर तरीके से एक जो है गुरु का रोल प्ले करके उन सभी साथियों को खड़ा किया। यही वजह है कि आज आरसीएम बिजनेस में हजारों हजार करोड़पति हैं। तो 20 जुलाई की जो हमारी मीटिंग है उसमें आदरणीय टीसी सर के साथ आदरणीय बीसी सर हमारे बीच में रहेंगे, 20 जुलाई बुधवार, टाइम यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। आदरणीय एस अत्री साहब हमारे बीच में रहेंगे और श्याम अग्रवाल साहब हमारे बीच में रहेंगे। तो ये 20 जुलाई का हमारा प्रोग्राम रहेगा। अब मैं बगैर विलंब करते ना करते हुए आज हम अभी आदरणीय टीसी सर को आपके बीच में इनवाइट करेंगे, लेकिन दो शब्द जो है मैं आपको आपकी नॉलेज में जरूर डालना चाहूंगा। इस दुनिया में देखो स्टेबिलिटी, अभी हम बात कर रहे थे, कई बार बोलते हैं ना कि मतलब अगर हमें यू नो लोटा होता ना, कई बार बोलते हैं ना किसी, हम कई बार किसी दोस्त को बोलते हैं बिन पैंदे का लोटा, बिन पैंदे का लोटा होता तो उसमें आप दूध डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो तो कहीं ना कहीं लुढ़केगा, वो निकल जाएगा। तो उसका पैंदा बराबर होना जरूरी है ताकि उसमें कुछ आए, राइट, यानी कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी। हम अभी एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। मैं अभी अमरावती गया था तो शायद कोई 20-21 दिन पहले, नागपुर वहां से रात की फ्लाइट थी, अमरावती मीटिंग करके मुझे वहां पे चहल सर मिल गए, अपने चाहत सर मिल गए गुड डोट की तरफ से। तो वहां का प्रोग्राम खत्म हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि आप अलग से टैक्सी मत लेना, मेरे वाली टैक्सी में चल लेना। तो हम दोनों को फ्लाइट थी वहां से, तो आप मेरे साथ चल लेना। तो हम वहां से निकले, जैसे निकले गाड़ी स्टार्ट की ड्राइवर ने, तो गाड़ी स्टार्ट करते ही अजीब सा लगा, मतलब वो गाड़ी थोड़ी सी लहराई आगे रोड पे जो है। चाहत सर ने बोला भाई आप इस तरफ से इस हाईवे पे ले लो, उसने कुछ सुना नहीं, फोन पे लगा हुआ था ड्राइवर, वो एक पुल के ऊपर से कहीं दूसरी तरफ ले गया, आगे जाके रास्ता बंद मिला, वो फिर वापस मुड़ा। तो मैंने चाहत सर को बोला, मैं क्या कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, मैं आप इसी गाड़ी में सवेरे आए थे? कि नहीं सर, सवेरे तो मैं सो गया था, मुझे पता नहीं है कैसे लेके आया। मैं कह तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मैं कह तो टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है ये, तो एक्सीडेंट करेगा, अरे हमें भी मारेगा कहीं पर। और 5-7 किलोमीटर में 2-3 मोटरसाइकिल वालों को टच कर दिया, चलते चलते कुछ और टच कर दिया। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट। मर्सिडीज ले लो, ड्राइवर खराब है तो भाई साहब बचोगे नहीं, लेकिन मारुति है, 800 भी है, ड्राइवर बढ़िया है तो भी भाई साहब चांद पे ले जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है, थोड़ी देर बाद वो आदमी को मैंने बोला भी गाड़ी रोक, टायर पंचर हुआ, उसने 1-1.5 घंटे में बोला, जब उसको नीचे उतारा तो भाई साहब वो बेहोश होकर गिर गया। बाद में हमने उसको उतारा नीचे, डिक्की में बंद किया, पीछे हाथ पैर जोड़ के उसको पकड़ के पिछले वाली सीट पे सुलाया और फिर गाड़ी में ड्राइव करके नागपुर लेके आया। कहने का भाव यह है, यहां पर आरसीएम बिजनेस जो है, बीसी सर के बारे में भी आपने सुना, आप में से बच्चा बच्चा जानता है, टीसी सर के बारे में द मोस्ट स्टेबल ब्रेन मतलब ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे, कई बार जो है वो आप आधा घंटा बात कीजिए, वो आपको सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आपको फिर एक मिनट में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में जवाब दे देंगे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 साल बाद भी समझ आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, राइट।
कि उनकी लाइन ही ऐसी होती है। कई लोगों को तो जो है वो, अब हमें तो 22 साल हो गए साथ में, तो अभी हम इशारे समझ लेते हैं, इशारे को ही समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार लोग बाग ज्ञान भी देते हैं, है ना, खास तौर से नए नए लोग बहुत देते हैं, है ना। अभी तो मुकेश सर डुप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे, और नए नए दोस्त जो है वो कई बार जो टीसी सर को ऐसा करना चाहिए, टीसी सर ऐसा करना चाहिए, टीसी सर ऐसा करना चाहिए, राइट। एक बार संसद चल रही थी, उस संसद के अंदर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे और लालू जी भी बैठे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है, जैसे आज का टॉपिक है रेगुलर ग्रोथ आपके बिजनेस में कैसे आए, उस दिन का टॉपिक संसद में था कि आप अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, खुशियों के साथ, मतलब कैसे रहें, खुशी खुशी कैसे रहें। और मीटिंग लेने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जैसे उन्होंने स्टार्ट किया कि देखिए आज हम आपको बताएंगे कि घर में बीवी बच्चों के साथ सुख शांति से कैसे रहें, इतनी देर में लालू जी खड़े हो गए। उन्हें बोला, ए अटल जी नीचे आइए, ये वाली ट्रेनिंग मैं दूंगा, हम 12 बच्चे पैदा किया हूं, तुम तो कुंवारे हो, राइट। बात पकड़ में आ रही है? तो इस बिजनेस में कुछ भी सलाह देनी है, कुछ भी सजेशन देना, तो भाई साहब पहले टेक्निकल आ जाओ यार, तब तक आते आते वेवलेंथ पकड़ लोगे, क्या चीज ठीक है, क्या गलत है, क्या नहीं है। इसलिए आते आते अभी हम जो है वो जितने भी कोर्स आती हैं, टीसी सर के साथ बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो कुछ चीजों को समझ पाते हैं, राइट। आपने टाटा जी का नाम सुना होगा, पूरे इंटरनेशनल लेवल में दुनिया के हर देश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन हैं, एक से एक बढ़ के बिजनेसमैन हैं। लेकिन पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, जहां पर भी इंडिया के रतन टाटा का नाम आएगा ना, लोग शिद्दत से, आदर से खड़े हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बड़ा बिजनेस है, उनसे भी बड़े एम्पायर बहुत लोगों के हैं, लेकिन लोग उनके साथ सामने श्रद्धा से इसलिए खड़े रहते हैं कि उनको मालूम है कि ये आदमी बिल्कुल एथिकल बिजनेस करता है। लोग इसलिए श्रद्धा से झुकते हैं रतन टाटा जी, या टाटा परिवार जो भी है, रतन टाटा जी के सामने लोग झुकते हैं, बड़े बड़े दिग्गज। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, दुनिया की कितने भी नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म पे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वाले कंपनियों की मीटिंग हो, किसी भी फॉर्म की मीटिंग हो, जब उस जगह पे टीसी सर का नाम आता है, तो दुनिया के सारे कंपनियों के जितने भी अपने आप को दिग्गज मानते हैं, वो सारे के सारे टीसी सर के सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए नहीं कि कारोबार बड़ा है, इसलिए नहीं कि उम्र में बड़े हैं, बल्कि उनको मालूम है कि बिल्कुल 100% एथिकल बिजनेस करते हैं। तो जब आपके सिद्धांत बड़े होते हैं ना, लालच की उम्र इस दुनिया में बहुत छोटी होती है, लेकिन सिद्धांतों की उम्र, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक सिद्धांतों की उम्र रहेगी। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सबके जो पायलट हैं, हम सबकी जो बुनियाद है, जो आरसीएम के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सब उस तरीके से फाउंडेशन डाली गई है आदरणीय टीसी सर के द्वारा, और उसी को हम सब लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आज आदरणीय टीसी सर से। वेलकम सर, प्रणाम सर, गुरु थैंक पूर्णिमा यू, के प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसिम सर। मीटिंग का टाइमिंग क्या है? वैसे तो 1 घंटा रहता है, लेकिन अभी 1 घंटा हुआ है सर, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा एक घंटा। घंटा हाँ 10 मिनट हाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नहीं, लोग वेट कर रहे हैं सर, आप थोड़ा लेट हो गए। चलो, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिजनेस ग्रोथ है ना, हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस ग्रोथ है, और परमानेंट बिजनेस ग्रोथ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली, कदम जी के माध्यम से, प्रहलाद जी के माध्यम से, और मुकेश जी के माध्यम से सब कुछ मिल गया है। इतना काफी है बस, अब जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और शायद पहले भी हमें मिला होगा, अब चाहिए करने के लिए। जानकारी से ही अगर दुनिया में श्रेष्ठ हो सकता तो आरसीएम से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं कर पाता दुनिया में। तो करने करने की बारी है अभी, कुछ डिसाइड करना और कुछ उसको एग्जीक्यूट करना।
बिजनेस ग्रोथ का जहां तक सब्जेक्ट है, एक अगर हम सही तरीका पकड़े हैं तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमें करने की जरूरत है वो हम एक तरफ नोट कर लें। क्या क्या एक्टिविटीज बिजनेस के लिए चाहिए, जैसे कि मुकेश जी ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, फिर आ गया प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, नेटवर्क बिल्डिंग, और फिर कीसोल आ गया, न्यूट्री चार्ज आ गया, PQC वगैरह जो भी है, टीम से बात करना, टीम से मिलना, डिस्प्ले वॉल, ऐसे 10-20-50-100 एक्टिविटी जो भी होती है बिजनेस के लिए, वो एक बार एक लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो सिंपल फॉर्मूला है, पूरी लिस्ट बन गई। अब उस लिस्ट में दूसरी लिस्ट बनाओ कि उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकते हो उसको छोड़ दो, अभी हो सकता है अभी नहीं कर सकते हो, बाद में उसको भी कर लेंगे, पर अभी क्या कर सकते हैं उसको एक सेकंड लिस्ट बना लो। कि यार सेल है, 100% प्रोडक्ट यूज पे गए, तो मैं कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, मैं 90% कर सकता हूँ, मैं 50% कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ, अपना जो कर सकते हैं फॉर्मूला बना लो। सेल कितनी कर सकता हूँ, इतनी सेल कर सकता हूँ पर डे, मंथली, वीकली, कितनी टीम बिल्ड कर सकता हूँ, कितने लोगों से डेली बात कर सकता हूँ, PQC कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, न्यूट्रीचार्ज फाउंडर वीर या फाउंडर वीरांगना वो कर सकता हूँ, ANCC कोर्स कर सकता हूँ, लोगों को ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, ज्वाइनिंग कराने वालों को एक्टिव करा सकता हूँ, वेलकम मीटिंग कर सकता हूँ, होम मीटिंग कर सकता हूँ, क्वालिटी टीम बुक भर सकता हूँ, ऐसे एक लिस्ट हुई सारी, जो भी आप जब भी आपको सुनने को मिल रहा है, जो भी अब तक सुना है, जो भी जाना है, उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए, दूसरी लिस्ट बना लीजिए, उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली जो आपके लिए संभव है, किसी और के कहने से नहीं, अपने दिल दिमाग से, अपनी तैयारी से, अपने टाइमिंग मैनेजमेंट से पूछ लीजिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो सेकंड लिस्ट हो गई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब उस सेकंड लिस्ट को आप अपना एकदम डायरी में फाइनली नोट कर लीजिए कि मैं महीने में या पर डे इतना काम मेरा फाइनल है, ये मेरा पक्का काम हो गया। उस लिस्ट में से पर डे आपको टाइम टेबल बनाना है कि पर डे कि आज मुझे ये करना है, आज की डेट में मेरे ये काम है। फिर दूसरे दिन की फिर टाइम टेबल बना लीजिए, तीसरे दिन का फिर टाइम टेबल बना लीजिए, यानी प्रतिदिन का टाइम टेबल बना के उन सारे कामों का कंप्लीट कर लीजिए। आपकी परमानेंट बिजनेस ग्रोथ का बिल्कुल 100% ईजी प्रैक्टिकल समाधान हो जाएगा। अभी क्या ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसका लॉजिक बता देता हूं। हमें पता तो चल जाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम जान भी जाते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु कहीं वो नोटेड नहीं है, कहीं सिस्टमेटिक नोटेड नहीं है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ख्याल नहीं आ पाता कि मुझे आज ये करना है, करने के लिए था लेकिन नोटेड नहीं है तो ख्याल ही नहीं आता, और कुछ हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कोई फोन आ गया तो उसमें लग जाते हैं, कोई और काम में लग गए, पर पता लगा कि आज मुझे इस ब्यूटी पार्लर से जाके मिलना था, आज पर डे मुझे 2 ब्यूटी पार्लर से मिलना है, मैंने मेरा एक सिस्टम में बना रखा है, पर डे मुझे अपनी टीम के 10 साथियों से बात करनी है। वो ऐसी 10-20-50 एक्टिविटीज है, तो कहीं नोटेड नहीं है ना, तो वो उठे और जो हो गया रह गया जो रह गया। अभी अब सोचो कि हम एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में आपके जो होना हो गया जो हो गया रह गया जो रह गया, तो बिजनेस चलेगा क्या? वो तो ठीक है ना, अपन ने दुकान नहीं लगा रखी, पैसा नहीं लगा रखा है, पैसा लगा रखा हो, दुकान लगा रखी हो, 10-20 लाख लगा के दुकान खोल रखी हो, और वो सुबह उठे उसको पता नहीं है आज क्या क्या दुकान में माल खत्म हो चुका है, आज खोलना भूल गया, किस ग्राहक के ऑर्डर पड़े थे उसको भेजना भूल गया, किन से पैसे मंगाने थे वो भूल गया, तो दुकान कितने दिन चलेगी? एक भी दिन नहीं चलेगी। लेकिन वो बातें तुरंत समझ में आती क्योंकि पैसा लगा हुआ था।
पैसा लगा होता था आदमी सिस्टम में होता है, पर हमारे यहाँ पैसा नहीं लगा होता है तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। ये मैं अनुभव कह रहा हूँ, जो हम प्रतिदिन लोगों से जब मिलते हैं पूछते हैं या बातचीत करते हैं तो सामने आ जाता है कि यार ये भूल गया, ये भूल गया है। खुद ही इस आधार पर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप नहीं भूलते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा मेरे अनुभव में आया है बहुत सारे साथियों। तो ये जो भूलना है ना, हमें लग रहा है कि हम बहुत छोटी सी चीज भूले, लेकिन बिजनेस ये कहता है कि आप वो जो चीज भूले ना, आपने पता नहीं महीने का जाने कितने बिजनेस का नुकसान कर दिया। आपकी टीम में ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग में आपको उसको जाके मिलना था, उसको फॉलोअप करना था, एक एक्टिविटी थी आपकी जो करनी थी, करनी थी, लेकिन भूल गए क्योंकि कहीं नोटेड नहीं, सिस्टम में नहीं, क्योंकि और 10-20 तरह के कई तरह के काम। ये जो हमारा सिस्टम है ना आरसीएम का, इसमें कामों की वैरायटी थोड़ी ज्यादा है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्किंग है इसमें, इसमें एक तरह का काम नहीं है, है सब छोटे छोटे मामूली मामूली इजी काम है सारे, बहुत सारे आसानी से किया जा सकते हैं, पर कामों की वैरायटी संख्या ज्यादा है थोड़ी सी। और वो काम होते रहे तो बिजनेस की तो ग्रोथ आनी आनी है, काम छूटते रहे तो बिजनेस की ग्रोथ में दिक्कत भी आनी ही आनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप पूरी एक्टिविटीज की लिस्ट, फिर आप जो कर सकते हैं उसकी लिस्ट, और पर डे की आदत की आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनाना उस लिस्ट को देखते हुए कि मेरी कोई भी एक्टिविटी छूटनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल चीज, बहुत आसान चीज है इसमें कोई भी। अब कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है उसकी लिस्ट बनाना, मैं क्या कर सकता हूँ उसको ठीक से समझना, फिर पर डे की प्रैक्टिस में आना, ये थोड़ी अभ्यास की चीज है। देखिए अभी हमें मीटिंगें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे अभी हम मीटिंग सुन रहे थे तो हमें बहुत बढ़िया लग रही थी कि बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बोली, और उनका तरीका कितना अच्छा था, कितना कन्विंसिंग था। वो तो अच्छा था, तरीका था, तो यहाँ की फिल्म देखने थोड़ी आए, वो अच्छा था, मजा आया, उससे मतलब नहीं ना। हम उनमें से कितनी चीजें कल लागू कर देंगे, मतलब उससे सारा का सारा नहीं तो ठीक है, अभी अच्छा लगा तो हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन सा लगता है, पर उस समय लगता है। पर आप खुद अपनी लाइफ में जांच कर देखिए, आपको जो चीजें करनी थी महीने भर में, सप्ताह भर में या दिन भर में, उसमें से कितनी हुई और कितनी छूटी, ये सिर्फ केवल अपने आप से पूछ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सारा राम कहानी। तो इसको सिस्टमेटिक करना है। मेरा जो तरीका है ये कार्यशाला का, आज मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आया हूँ, मैं जानना भी चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। मेरा तरीका है कार्यशाला चलाने का, नहीं सेमिनार करने का मेरा तरीका नहीं है, क्योंकि सेमिनारें तो वैसे बहुत होती रहती है, मेरे कोई सेमिनार में मेरी जरूरत भी नहीं है उसमें सेमिनारों में। मेरा कार्यशाला चलाने का तरीका होता है, पूरा प्रोजेक्ट बनता है, सिलेबस, सब्जेक्ट, और आज क्या काम होगा, अगली बार कुछ उससे आगे का काम होगा, रिपीटेशन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। और जो मैं बात कह रहा हूँ उसकी पूरी प्रैक्टिस साथ के साथ में, कोई कंफ्यूजन है तो उसके सवाल जवाब, कौन क्या कमिटमेंट ले रहा है, कौन लिस्ट बना रहा है, कैसी बना रहा है, उसको कोई सीखना, उसको कोई कंफ्यूजन है तो वो सब सिखाना। तो मेरा थोड़ा सा तरीका वो रहता है और मैं उसी तरीके पे ही काम करना चाहूँगा। मैं आपको सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सेमिनार वगैरह के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग काफी हो, आप सेमिनारें कर सकते हो, लोग आते सुन सकते हैं, पर मुझे चाहिए रेगुलर निरंतर सिस्टम, जो अपना 9 बजे चल रहा था तो ये भी 8:30 बजे चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन डिजाइन जो है ना, वो डिजाइन को थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी कि कैसे इसको काम को करना है, क्योंकि हम कितना अच्छा सुन रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं और आप कितना अच्छा सुन रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट रहता है कि आप कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं।
आप कितना बदलाव कर पा रहे हैं अपने आप में, आप कितना उस कॉन्सेप्ट में ढल पा रहे हैं। तो उसके लिए एक कंटिन्यूस सेशन होते हैं जो हर दिन आगे से आगे सब्जेक्ट चलता है, एक ही सब्जेक्ट पे बार बार बात करना और केवल सुनना, बोलना और सुनना, वो कार्यशाला के सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर पाती। उसमें तो लोगों को फीडबैक लेने पड़ते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनको कुछ पूछना होता है उनको मौका दिया जाता है, तो वो सिस्टम है। तो उसके बारे में चलो और बातचीत कर लेंगे, पर आज मैं बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैंने एक जस्ट एक आइडिया जो दिया है और बहुत मैं समझता हूँ बहुत ईजी है, एक उसको तरीके में लाया जाए तो बिजनेस बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस ये चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल है बड़ी संख्या में, सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और कल फिर सेशन है इसी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें की सोल का भी सब्जेक्ट रहेगा, यही टाइम रहेगा, तो ये सब आप लोग सूचित हों इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद JRCM। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और जो लास्ट में आपने ये जो होमवर्क जो दिया है, ये तो ठीक है, जितने भी साथी हैं सभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हम जिंदगी भर स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में टॉप वही करता है जो घर आके होमवर्क करता है, तो ये होमवर्क करने का है। बाकी जो हमने सुना वो सुनना, जो सर ने बताया सुनना अपनी जगह ठीक है, लेकिन होमवर्क जो नहीं करेगा तो सुनने अभी सुनना भी जो है वो काम नहीं करेगा। और आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देंगे, लेकिन दो साथी जो है वो, जिन भी साथियों के वीडियो ऑन है कोर साथी, तो दो साथी जो है, दो या तीन साथी एक बार अपना अपना इनपुट और दे देंगे। तो मैं अत्रि सर अगर हमारे बीच में हो। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर। आज ये एक बहुत बड़ा सेशन रहा जिसमें हमारी संख्या काफी अच्छी रही, और TC सर ने जो हमें गाइड किया वो मैं नोट भी कर रहा कि जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारी बहुत अच्छी हैं, बहुत काम की हैं, लेकिन वो काम की तब हैं जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं क्या कर सकता हूँ उनके ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करेंगे तो मेरे रिजल्ट बढ़ेंगे, उन्हीं को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे टीम में रिजल्ट बढ़ेंगे, मेरे लेवल बदलेंगे। तो ये आज का मीटिंग का सारांश है कि जितनी भी एक्टिविटी हम मीटिंगों में सुने, ट्रेनिंगों में सुने, वो सारी हमारे काम की, सारी बिजनेस बढ़ाने में बहुत काम की है, लेकिन काम उसके आते हैं जो उस पर एक्शन लेता है। तो इस चीज को सभी साथी नोट करें कि आपने आज जो जो बताया, मुकेश सर ने बताया, TC सर ने बताया, कदम जी ने बताया, उन पे आप कितना इंप्लीमेंट करके काम करते हैं, यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट तभी आएंगे, और इस इंडस्ट्री में करने वाले के रिजल्ट आते हैं सर। तो आप आज आपने बहुत अच्छा तैयारी की, बहुत बहुत धन्यवाद, और कल दोबारा मिल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अत्रि सर। बस साहब हमारे बीच में होंगे, बस साहब महावीर जी, महावीर सर हमारे बीच में होंगे, जय नारायण जी आप क्लोजिंग स्टेटमेंट। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों ने टॉपिक वाइज पॉइंट नोट किए होंगे, बहुत सी अच्छी चीजें बताई। लास्ट में TC सर ने पूरी मीटिंग का निचोड़ ये बताया कि बीच कितनी भी बातें करें हम उन पे एक्शन कितना कर रहे हैं, आज जो बातें बताई गई क्या हम उस पर एक्शन कर रहे हैं, वरना इस कान से सुने इससे निकाल देंगे तो फायदा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने सारे पॉइंट नोट किए होंगे और जितनी बातें समझ में आई उन पे कर्म करेंगे, लेकिन एक टॉपिक पे थोड़ा सा एक मिनट लेना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। हमारा टॉपिक था हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस आए, अब हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस आए, हालांकि आज संख्या बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं सारे साथियों से पूछना चाहूंगा क्या ये संख्या हमारी संतुष्टिदायक थी। शायद कंपनी लेवल पे इतने रोल्टी टेक्निकल अचीवर है, जब तक पूरी टीम ताकत नहीं लगाएगी, टीम का हर डायरेक्ट सेलर ताकत नहीं लगाएगा, तब तक हर महीने ग्रोथ नहीं आएगी।
तो सभी वाइटल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर अपने अपने डेली की लिस्ट बनाएं और डेली उस पर फोन कॉल करें कि हमारी संख्या प्रॉपर आ रही है क्या। अगले बुधवार की सूचना आपको मिल गई। डेली जो मीटिंग 8 बजे और 9 बजे होती थी उसको कॉमन करके 8:30 बजे कर दिया गया आज से। अगले बुधवार का एजेंडा हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे। हमारे बीच में टीसी सर रहेंगे, बीसी सर रहेंगे, अत्री सर रहेंगे और श्याम अग्रवाल सर रहेंगे। और हमें बड़ी तैयारी करनी है, हम लिस्ट बना के प्रॉपर तरीके से फोन कॉल करें, एक एक साथी को इनवाइट करें। थोड़ा कोई ढीला पीला चल रहा है, किसी वजह से नाराज चल रहा है, उन सारे साथियों को इनवाइट करें। मान लीजिए कोई वाइटल अचीवर है उसके आज 10 साथी बैठे, एक कोई दूसरा वाइटल अचीवर है उसके 2 साथी बैठे, तो उसके बराबर रिजल्ट कैसे आएगा, आगे की पिनों पे कैसे जाएगा, हर महीने ग्रोथ कैसे आएगी। संख्या बहुत जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डेली लिस्ट बना के तैयारी करेंगे, बड़ी तैयारी करेंगे और जो चीज बताई जाए उसको नोट करेंगे और उस पर एक्शन करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे, माफी चाहूंगा, पहला प्रोग्राम था और आगे से इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रॉपर तरीके से टाइम पे प्रोग्राम शुरू होगा और टाइम पे प्रोग्राम खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कदम सर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। और आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और बीसी सर हमारे बीच में है तो और हम सबके गुरु जी, तो चलते चलते एक आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बीसी सर के मिल जाए तो। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा गुरु तो फील्ड ही होता है, फील्ड से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। और जब हम मैदान में काम करने के लिए निकलते हैं तो जो सीख वहां से मिलती है वो सीख किसी किताब से नहीं मिल सकती और वो सीख किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकती। इसलिए जितना भी फील्ड आज हमारे सामने बैठा हुआ है उन सभी फील्ड के साथियों को मेरी तरफ से बहुत 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 दिल से प्यार भरी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। और मेरे दिल की अभी एक ही अभिलाषा चल रही है कि सफलता की राह के जो राही हैं, जो भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सफलता की राहों को मैं आसान कैसे बना सकूं, उनकी राहों में मैं क्या वो तरीका दे सकूं जिससे उनकी सफलता की राह आसान हो जाए और ये एनिवर्सरी उनके लिए खास हो जाए। तो अगले में जो 20 तारीख को हम मिल रहे हैं तो मैं कुछ ऐसे ही विषय या जो भी आदेश मुझे मिलेगा ताकि हम लोगों की अपना ये जो समय है जो कि एक पूरा जोर लगाए, आज बहुत पहला प्रयास था लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था और अब इस प्रयास को हम डबल करते जाएंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इस जगह देखो ऐसा होता है, 100 सुनार की नहीं एक लोहार की, जब इस प्रोग्राम में गैदरिंग आने लगेगी 100 सुनार की नहीं एक लोहार की, ये जो माहौल बनता है ना, मोमेंटम जो बनता है वो मोमेंटम बहुत सारी कमियों और कमजोरियों को अपने साथ बहा के ले जाता है, बहुत सारी निराशाओं को और बहुत सारे गमों को वो भुला देता है जब माहौल बनता है। इसलिए एक प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया है कि हर बुधवार का ये जो 8:30 बजे का प्रोग्राम है इसको हमें एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम के रूप में डिजाइन करना है जहां पर मोमेंटम हो, गैदरिंग हो, बाकी की चीजें तो खुद ब खुद परिवर्तित होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। बोले कहते हैं कि जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है, तो शुरुआत है लेकिन बहुत आगे जाने की भी इसी के माध्यम से बात है। तो बिल्कुल आपकी और हमारी होते रहने वाली मुलाकात है और इस मुलाकात से ही बनने वाले कई नए इतिहास हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ में मिलते हैं इसी तरीके से 8:30 बजे। और हमारे इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे रहनुमा है, प्रोडक्ट हमारे वो कहते ना हमारी खरीदारी, दुनिया में लोगों की खरीदारी केवल खरीदारी होती है लेकिन हमारी खरीदारी तो हमारी खुददारी होती है। लोगों की प्रोडक्ट तो दुनिया के लिए तो केवल वो प्रोडक्ट होते हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट तो हमारी किस्मत का प्रोडक्शन है। लोगों के सामान केवल सामान होते हैं लेकिन हमारे सामान तो हमारी जिंदगियों का सम्मान है। आज जो भी सम्मान हमारे पास है वो उन प्रोडक्टों की, बाजार की साबुन तो केवल एक साबुन होती है जो तन का मेल मिटाती है पर हमारी साबुन तो तन का, मन का, जन का और धन का सारे मेल मिटाती है। वो तो केवल तन को चमकाती है, हमारी साबुन तो किस्मत को भी चमकाती है। तो वो हमारे सामान कुछ खास होते हैं और इन्हीं से कुछ नए इतिहास होते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं
और आखिरी तक बने रहने वाले साथियों को मेरी तरफ से और अधिक डबल और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और गुरु पूर्णिमा के दिन इस बात के लिए कि हमारे में कितनी ग्राह्यता है। तो आज जो भी बातें कही गई है उनमें से नोट्स बनाना, और मेरा तो अनुभव कहता है कि जो नोट्स बनाते हैं वो खूब नोट कमाते हैं। इसलिए हर मीटिंग के नोट्स बनाओ और उसको वापस अपने तरीके से उन नोट्स को लोगों को बताओ, क्योंकि जो सुनते हो उससे कामयाबी नहीं मिलती है, जो सुना देते हो आगे लोगों को उससे कामयाबी मिलती है। इसलिए मीटिंगों के नोट्स बनाना और आगे उनको डुप्लीकेट करना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मीटिंग है इसको हम यहीं पर समापन करेंगे। सभी दोस्तों को गुरु पर्व पे प्रणाम, और